इस आइकन को बोलते हैं यूसीएस आइकन। यूसीएस का फुल फॉर्म यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूजर का कोऑर्डिनेट सिस्टम बराबर। आइकन का मतलब चिन्ह। ये व्यू कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ से आप टॉप फ्रंट लेफ्ट राइट जो भी व्यूज हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो भी ड्रॉइंग बनाएंगे आप यहाँ से, अगर टॉप पे बना रहे हैं तो टॉप सेलेक्ट करिए, फ्रंट पे बना रहे हैं तो फ्रंट सेलेक्ट करिए, राइट पे तो राइट, ठीक है। और नीचे आइसोमेट्रिक है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस डिस्प्ले करेगा जैसे, ठीक है। अभी तत्काल हम टॉप पे काम करेंगे। पहला काम करते हैं हम यूनिट को सेट करते हैं, यू एन इंटर। आपको इस फिट में अगर काम करना हो तो यहाँ आर्किटेक्चर करिए, यहाँ पर प्रिसीजन 0.0 इंच और यहाँ पर इंचेस कर लीजिए, उसके बाद ओके कर लीजिए। फिर डी इंटर करिए, मॉडिफाई पे जाइए, प्राइमरी यूनिट्स, यूनिट फॉर्मेट में यहाँ पर भी आर्किटेक्चर करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ओके करिए, सेट करेंट करिए, क्लोज करिए। अब मान लीजिए एक लाइन लेते हैं हम, सीधी लाइन चाहिए, ऑर्थो मोड ऑन करिए, या फिर प्रेस करने से ऑर्थो मोड ऑन भी होता है ऑफ भी होता है, चाहे आप यहाँ पर क्लिक कर लें, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे 10 फीट 5 इंच की कोई लाइन चाहिए, ठीक, ये लाइन आ गया। इसका डायमेंशन चेक करना है, यहाँ क्लिक किया आपने, डायमेंशन लाइन किसको बोलते हैं, इस लाइन को डायमेंशन लाइन बोलते हैं, दोनों साइड में एरो लगा होगा ना, और ये एक्सटेंशन लाइन है जिसके बोथ इन पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये लिमिट डिफाइन करता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको अलग अलग कलर से सेग्रीगेट कर दें, अलग अलग कर दें, तो फिर आप डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पर जाएँ, मॉडिफाई लाइन्स पर क्लिक करिए, यहाँ पर कलर है येलो, ये डायमेंशन लाइन का कलर हो जाएगा येलो। और अभी देखिए एक्सटेंशन लाइन है ना, यहाँ पे इसका कलर हम कुछ और कर लेते हैं, उसका ओके करिए, सेट करेंट करिए, देन क्लोज। मेन ड्राइंग ये हो गया, ये डायमेंशन लाइन आ गया, तीनों अलग अलग हो गए बराबर। अगर आप मिलीमीटर पे काम करते हैं तो क्या करना है, एमएम में काम करते हैं तो यूनिट में यहाँ टाइप में डेसिमल होगा, प्रिसीजन 0.00 कर लीजिए और यहाँ पर मिलीमीटर्स कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद ओके करिए, फिर डी इंटर करिए, मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स, यहाँ पर भी आपको डेसिमल करना पड़ेगा। आर्किटेक्चर, ठीक है, दोनों जगह चेंज करना है आपको। अब मान लीजिए कि हम लाइन लेते हैं टेल इंटर, कितना 50 mm की लाइन है तो 50 इंटर, डायमेंशन भेजा करके। अगर कोई टेपर लाइन है तो उसका डायमेंशन कैसे लेंगे, ऑटो मोड में ऑफ कर लेता हूँ, कोई टेपर लाइन ले लेता हूँ, मान लीजिए टेपर लाइन है, इसका डायमेंशन आपको लेना है, कैसे लेंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, अलाइन, ये एनोटेशन की ये डायमेंशन है ना, इसके बगल में ये देखिए लीनियर अलाइंड एंगल और सारा कुछ। एंगल अगर लेना है, मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन ऐसे है, तो मैं बोलता हूँ दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे एंगुलर, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है।
लाइन ड्रॉ करने का सिस्टम समझ गया आप। पॉली लाइन क्या होता है? जिसमें मल्टीपल फंक्शन हो। पॉली मतलब, अब जैसे हम लोग पॉलीगन बोलते हैं, पॉलीगन का हिंदी क्या होता है? बहुभुज। हाँ बहुभुज, बहु मतलब बहुत, भुज मतलब भुजा, बरोबर। वैसे ही पॉलीगन, पॉली शब्द जैसे ही आ गया तो समझिए कि मल्टीपल फंक्शन होगा इसमें, ठीक है। अब क्या मल्टीपल फंक्शन है? पीएल इंटर करिए पॉली लाइन के लिए, आपने क्लिक किया स्ट्रेट रखने के लिए, ऑटो मोड में फिर से ऑन कर लेता हूँ, लाइन सीधी आ गई। मान लीजिए हमें डायमेंशन दे दिया 20 इंटर, डायरेक्शन चेंज फिर 20 इंटर। अब मुझे इसके ऊपर आर्क चाहिए, इसके ऊपर यहाँ ऐसे आर्क चाहिए, ठीक है। तो उसको लिए क्या करिए, ए इंटर करिए, आर्क स्टार्ट हो गया। अब इसका डाया डिफाइन करिए, मान लीजिए 20 हमने कर दिया, ठीक है। अब फिर स्ट्रेट लाइन चाहिए, एल इंटर करिए, सी इंटर करिए क्लोज, यानी कि एक ही कमांड से मल्टीपल काम हमने कर लिया। नहीं तो आपको क्या करना होता, लाइन से ये लाइन बनाते फिर सर्कल बनाते ट्रिम करते, है ना। अभी इसका हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो रेडियस डायमीटर दिया वो उतना है कि नहीं। तो हमने डायर 20 दिया था, रेडियस तो ऐसे ही होगा, रेडियस डायमीटर में क्या रिलेशन है? अच्छा डाया का आधा रेडियस होगा। एक सर्कल जब आपको लेते हैं, मान लीजिए कि आपने ये एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, इसके सेंटर से इसके पेरिफेरी को जो टच करता है ये रेडियस हो गया, और सेंटर से लाइन क्रॉस करे और इसको दोनों साइड में टच करे सर्कल को, ये डाया हो गया इसका। दैट मीन्स कि d इज इक्वल टू 2r और r इज इक्वल टू डी बाई टू, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसका हमें लेंथ लेना है, फिर यहां पर क्लिक करिए लीनियर, हमने 20 किया था ना, देखिए लीनियर, ठीक है। पॉली लाइन का एक फंक्शन ये समझ गए आप। दूसरा क्या है कि मान लीजिए मैंने पॉली लाइन लिया, आप बोलते हैं कि लाइन का विड्थ फैक्टर मुझे बढ़ाना है, तो आप क्लिक करिए या पहले उतना ही तक रन लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद विड्थ फैक्टर बताएंगे, ठीक है। सर्कल बताता हूँ, सर्कल के लिए क्या करना है, सी इंटर करिए, क्लिक करिए और जस्ट रेडियस डिफाइन करिए, जो डायरेक्ट वैल्यू देंगे वो रेडियस होगा। चेक करने के लिए यहीं पर आइए, रेडियस क्लिक किया, ठीक है। सर्कल के अंदर और भी ऑप्शंस हैं, सेंटर डायमीटर, डायमीटर के लिए डी इंटर करेंगे, 2p, 3p, CTR और ट्रिपल टी। तो अभी सिंपल यूज करिए, बाकी कमांड्स ऑप्शन जो है वो बाद में बता दूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसी को ट्रिम करना है आपको, मान लीजिए सर्कल ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, एक्स्ट्रा पार्ट को हमें ट्रिम करना है, तो TR डबल इंटर, इसको क्लिक कर दिया, ट्रिम हो गया, ठीक है। मैं बोलता हूँ इस सर्कल को क्लोज करना है दोबारा, तो क्या होगा, पॉली एडिट PE इंटर, इसको क्लिक किया, हाँ पॉली एडिट, गुड डाइट, डू वांट टू टर्न इनटू वन, यस इंटर, पहले देख लीजिए, सी इंटर क्लोज। इसको क्लोज करना है मुझे, आपको कमांड कौन सा इस्तेमाल करने करना पड़ेगा, पॉली एडिट PE, ठीक है, इंटर करिए, उसके बाद इस सर्कल पे क्लिक करिए। पूछ रहा है आपसे कि क्या इसको आप एक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वाई लिखा हुआ है, इंटर कर दीजिए, फिर फाइनली सी इंटर क्लोज, बन गया इसके, ठीक है। अब इसी का अगर मुझे इसको मूव करना है, अगर मान लीजिए तो M इंटर करिए, इसको सेलेक्ट करिए, इंटर, जहाँ से पिक करना है पिक करिए, चाहे क्वाड्रेंट से चाहे सेंटर पॉइंट से, जहाँ रखना है वहाँ रख दीजिए, ठीक है।
इसका अगर कॉपी चाहिए तो सी ओ इंटर कॉपी सेलेक्ट किया, इंटर, फिर जहाँ से भी मन है वहाँ से क्लिक करिए इसको, जितने कॉपी चाहिए उतने ले लीजिए, ठीक है। अगर मिरर करना है इस पूरे ऑब्जेक्ट को तो आपके पास एक सेंटर लाइन चाहिए पहले। मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर प्रॉपर्टी क्या होता है, प्लेन मिरर आपका फेस और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है इमेज उतना ही पीछे बनेगा। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर लाइन है यानी मिरर है। अब ये मुझे पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप मिरर कमांड इस्तेमाल करें, एम आई इंटर, इस पूरे को सेलेक्ट करें, इंटर, नाउ क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, देन सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। उसके बाद आपसे पूछता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, क्या ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट है इसको इरेज करना है, अगर करना है तो वाई इंटर करिए, नहीं करना है तो नो सेलेक्ट करें, इंटर कर दीजिए, हो जाएगा क्लियर। और बताऊंगे अभी रहने तो इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है वो सारी।